अभी मैंने कंप्यूटर साइंस पे वीडियो बनाया कि 2035 तक कंप्यूटर साइंस का स्कोप कैसा रहेगा, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि सर कंप्यूटर साइंस पे तो आपने बना दिया, कोर इंजीनियरिंग पे भी कुछ बनाइए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनका क्या फ्यूचर होगा, 2035 तक कैसे परफॉर्म करेंगे, क्या कोर इंजीनियरिंग का स्कोप बढ़िया रहेगा या नहीं रहेगा, इस पूरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। पहली बार आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, आपका ही चैनल है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। कई एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर जिन लोगों को करियर काउंसलिंग चाहिए, मेरे से बात करनी है, वो लास्ट में तक वीडियो देखिए, मैं बताऊँगा कि कैसे आप मेरे से बात कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं कोर इंजीनियरिंग का स्कोप। देखो कोर इंजीनियरिंग में ना बहुत ज़्यादा स्कोप डेवलप हो रहा है, नए नए चीज़ें आ रही हैं, कुछ जो नए सेक्टर अभी डेवलप हुए हैं, कुछ जो नए सेक्टर आए हैं कोर इंजीनियरिंग में, सबसे पहले मैं उसकी बात करता हूँ। सबसे पहला एक है कि सोलर पैनल की मार्केट, सोलर एनर्जी की मार्केट बहुत तगड़े से आगे जा रही है। तो लोग जो लोग सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाना चाहते हैं या सोलर से रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं या सोलर की कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि ये सोलर पैनल अभी घर घर तक नहीं पहुंचा है। इसमें मार्केट तब खराब होगी जब ये घर घर तक पहुंच जाएगा और उसके बाद भी कुछ टाइम तक जब लोगों की नीड बन जाएगी, जैसे इन्वर्टर था, इन्वर्टर अब घर घर पहुंचा, गांव तक पहुंचा, गांव में लाइट नहीं रहती थी, तो इन्वर्टर एक बहुत बड़ा बिजनेस कारोबार के रूप में उभरा। लेकिन अभी गाँव में भी लाइट रहती है, सिटी में भी रहती है, तो जिस लेवल का बिजनेस था उस लेवल का अब नहीं रहा। तो अगर आप सोलर पैनल की मार्केट में जाना चाहते हो तो वहाँ जा सकते हो। दूसरा है कि भाई सोलर पैनल के अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में डिफरेंट काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जैसे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट हो रही है, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग है, एप्पल का खुद का प्लांट लग रहा है। तो ऐसे में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, मैन्युफैक्चरिंग में आप कोर में जाना चाहते हो मैन्युफैक्चरिंग में, तो वहाँ भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, वहाँ भी जाकर के चीज़ें आप अच्छे से कर सकते हो। एक नया सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के लिए, क्योंकि इससे पहले इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इतने सारे प्रोडक्ट की नहीं करता था। तो जब मैन्युफैक्चरिंग की बात आती तो मैन्युफैक्चरिंग में यू हैव अ लॉट ऑफ स्कोप। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात मैं कर रहा हूँ तो सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर जाएंगे, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी जा सकते हैं और सिविल भी इंक्लूडेड जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और सेक्टर है जो कोर इंजीनियरिंग में काफ़ी 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 कमाल धमाल मचा रहा है, वो है जो इलेक्ट्रिक की मार्केट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट, गाड़ियों की जो मार्केट है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, चाहे वो इलेक्ट्रिक स्कूटर हो गया, चाहे इलेक्ट्रिक बाइक हो गया, चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर हो गया या इलेक्ट्रिक टू व्हीलर हो गया, कुछ भी हो गया, तो इलेक्ट्रिक की भी मार्केट काफ़ी अच्छी है, ठीक है। लेकिन उसको आपको समझना पड़ेगा कि वो मार्केट कितना हेल्पफुल आपके लिए, कैसे आप उस मार्केट में एंट्री कर सकते हो, ईवी से रिलेटेड चीज़ें कैसे आप सीखोगे, ईवी से रिलेटेड चीज़ों सीख करके कैसे आप अपने करियर को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लेकर के जा सकते हो। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी कोर इंजीनियरिंग का एक बड़ा पार्ट है, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, सारे इंजीनियर जाते हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। बात अगर हम सिविल के सेक्टर की कर लेते हैं, थोड़ा सिविल के सेक्टर में भी काफ़ी स्कोप बढ़ गया है। देखो बिल्डिंग हर जगह, गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, हर जगह आप देख रहे हो मैन्युफैक्चरिंग का काम जोरों शोरों से चल रहा है, और गवर्नमेंट की जो योजनाएं चल रही हैं उसके थ्रू भी हो रहे हैं, कई सारे मॉल बन रहे हैं, कई सारे कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज बन रही हैं। पहले लोग डरते थे लोन लेकर के बनवाने से, अब लोगों को डर नहीं लगता, अब लोग करोड़ों का लोन लेकर के कहते भाई स्टार्ट करते हैं, जो होगा देखा जाएगा बाद में। तो लोग स्टार्ट करते हैं और चीज़ें चलती जाती हैं और फिर समझ में आती है कि चीज़ें किस तरह से करना है, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि गाइज आप इसको कैसे लेके जाते हो, किस तरह से परफॉर्म करते हो, किस तरह से ये चीज़ें चलती हैं, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको अपॉर्चुनिटी इसमें मिलती जाएगी। तो कोर इंजीनियरिंग की बात करें, देखो जितनी भी आपके अगल बगल चीज़ें होंगी ना, हर चीज़ में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है, रेडीमेड कोई चीज़ नहीं रहा है, हर चीज़ में एक स्टेप आगे बढ़ के ऑटो एआई आ गया है, ऑटोमेशन आ गया है, एआई का यूज ऑटोमेशन में हो रहा है। तो कोर इंजीनियरिंग 2035 तक ना बहुत ज़्यादा मतलब मॉडिफाई हो जाएगा और बहुत ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। तो जो बदलाव चल रहे हैं कोर इंजीनियरिंग में उसको एक्सेप्ट करिए, बदलाव के दौर से जो ट्रेंडिंग इंडस्ट्री है उसमें जाइए। जैसे एक और इंडस्ट्री जिसके बारे में शायद मैं मिस कर रहा था, ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी स्कोप हो रहा है, ड्रोन इंजीनियर बनके भी आप बहुत पैसे कमा सकते हो। तो ड्रोन के सेक्टर में भी जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं और यहां से काफी ज्यादा पैसे गाइस अर्न कर सकते हैं।
तो गाइज मेरा काम था बताना, और मैंने कहा था वीडियो के लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि आप लोग कैसे मेरे से बात कर सकते हैं। देखो एक लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली स्लॉट बुक करके मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो, और टेलीग्राम पे तो वहाँ पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।